परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। We greet you all once again in the blessed name of our Lord Jesus Christ। एक और बार प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में आपको हमारा हार्दिक अभिनंदन स्वीकार हो। For our meditation, let us turn to Titus 1st chapter verse 4। आज शाम हमारे मनन के लिए हम अपने पवित्र शास्त्र में से तीतुस की पत्री उसके पहले अध्याय के चौथे वचन को पढ़ेंगे। तीतुस के नाम जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है, परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु से अनुग्रह और शांति होती रहे। To Titus, my own son, after the common faith, grace, mercy and peace from God the Father and the Lord Jesus Christ our Savior. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। When you look at Christianity or a Christian message or Christian religion, जब आप मसीह धर्म या मसीह संदेश की ओर नजर डालते हैं, you will not find much of religious teaching, dogmas and other things like that. आप इसमें बहुत अधिक धार्मिक सिद्धांतों को या धार्मिक संदेश को देख नहीं पाएंगे। In all the other religions, you will find dogmas, teachings, rituals, traditions and so many other things. अन्य सभी धर्मों में आप कट्टरपन को या अन्य प्रकार के धार्मिक संदेशों को बहुतायत से देख सकेंगे। But here in Christianity, the central thing is the faith. पर यहाँ पर मसीह जीवन या मसीह धर्म में जो केंद्र बिंदु है वह विश्वास होता है। All the other things are there, but important thing is the faith. अन्य सभी बातें तो हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण है विश्वास। Here the word common faith. Paul uses the word common faith. यहाँ पर प्रेरित पौलुस एक आम विश्वास शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। In better translation, it is not we are here to share our faith, common faith. We have a faith. You have a faith that is common to us. हमारे पास एक विश्वास है, आपके पास एक विश्वास है। यदि साधारण अनुवाद में कहा जाए तो हम आपके सामने एक आम विश्वास को पेश करने के लिए आए हुए हैं। So the purpose of these meetings is not to convert you from one religion to other religion. इसलिए इस सम्मेलन का मकसद आपको एक धर्म से दूसरे धर्म की ओर तब्दील करना नहीं है। Or to bring you from one church to the other church. या तो आपको एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया की सहभागिता में लाना भी नहीं है। But to share, we are going to share our faith with you. पर जो विश्वास हमारे पास है वह विश्वास आपके साथ बांटना चाहते हैं। And then you can understand whether that same faith is in you and whether this faith what we are sharing will be a blessing to you. तब आप ये समझ पाएंगे कि जो विश्वास हमारे पास है और जिस विश्वास को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, क्या वह विश्वास आपके जीवन में है या वह विश्वास आपके लिए धन्य है या नहीं। In 1 Timothy 1st chapter 5th verse we read. तिमोथियुस की पहली पत्री पहले अध्याय के पांचवें वचन में हम पढ़ते हैं। आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। Now the end of the commandment is charity, out of a pure heart and of a good conscience and of faith unfeigned. A faith unfeigned. एक ऐसा विश्वास जो कभी पराजित नहीं होता है। Or faith that is sincere. या एक ऐसा विश्वास जो कपट रहित होता है। Or to put it a little more clear, a faith there is no what I call hypocrisy. या साधारण शब्दों में कहने पर एक ऐसा विश्वास जिसमें किसी भी प्रकार का कपट नहीं होता है। You just show who you are. या यह विश्वास दिखाता है कि आप कौन हैं। The word religion has got two meanings. धर्म नाम के शब्द के दो अर्थ होते हैं। One is L-I-G, lig, the other is L-E-G, leg. L-I-G, lig, और दूसरा है L-E-G, leg. L-I-G, lig means to bind yourself with God. L-I-G, lig का मतलब है कि आपको परमेश्वर के साथ बांधना। L-E-G, leg means to observe what God says and live accordingly. L-E-G, leg का मतलब है परमेश्वर जो हमें हमसे कहता है उस पर गौर करना और उसके मुताबिक जीवन बिताना। So this is the definition of the word religion. Religion शब्द की परिभाषा यही होती है। If you analyze all the religions of the world, यदि आप संसार में पाए जाने वाले सभी धर्मों को देखेंगे, sad to say they are unable to fulfill these two conditions. दुख के साथ कहना पड़ता है कि वे इन दोनों सिद्धांतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। Because religion must bind yourself with God. धर्म आपको परमेश्वर के साथ बांधना चाहिए। And religion must be able to see that you hear the very voice of God. और धर्म इस बात पर गौर करना जरूरी होता है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं। That's why in Mark's Gospel 7th chapter, यही कारण है कि मरकुस की इंजिल 7वें अध्याय में 68 the Lord
tells what was the religion in his own time. 68वें वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसके समय में धर्म क्या था कह रहा है. Mark 7 verses 68. मरकुस की इंजिल 7वां अध्याय 68वां वचन. 6 verses 6 7 and 8. माफ कीजिए मरकुस की इंजिल 7वां अध्याय 6वें वचन से लेकर 8वें वचन तक. उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है, जैसा लिखा है कि ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो. He answered and said unto them, Well hath Isaiah prophesied of you hypocrites. As it is written, this people honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups, and many other such like things ye do. How clearly the Lord defined the religion in his own time. यहाँ पर देखिए प्रभु यीशु मसीह अपने समय में किस धर्म किस प्रकार था स्पष्ट रीति से जाहिर कर रहा है. They worship the Lord, but with their lips only. वे परमेश्वर की उपासना जरूर करते थे पर केवल अपने होठों से. Their hearts were far away from God. उनके हृदय परमेश्वर से दूर थे. They had so many what they call rules and regulations. उनके पास कई प्रकार के नियम और सिद्धांत थे. According to the Jewish legend, 10 commands they had to obey. यहूदियों के सिद्धांत के अनुसार उन्हें 10 नियमों का पालन करना होता था. And they multiplied into 610 bylaws. और उसे 610 अन्य छोटी व्यवस्थाओं के साथ गुणा किया जाना था. So much of laws, people were confused what to follow and what not to follow. इतने सारे नियम होने के कारण लोग असमंजस में थे कि किस नियम का पालन करना है किसे छोड़ना है. But they were following it, but their hearts were not closer to God. वे लोग इन नियमों का पालन तो कर रहे थे पर उनका हृदय परमेश्वर के नजदीक नहीं था. So the true religion is something which bring you closer to God. इसलिए सच्चा धर्म वह है जो आपको परमेश्वर के नजदीक लाता हो. It's a faith. यह विश्वास है. So today we will meditate one aspect of this faith. इसलिए आज हम विश्वास के एक पहलू पर ध्यान करने जा रहे हैं. This faith is we can compare like a mountain. इस विश्वास की तुलना एक पर्वत के साथ की जा सकती है. Now when you want to climb up a mountain. आमतौर पर यदि पर्वत पर चढ़ना हो. Especially those who climbed Mount Everest and other places. आमतौर पर जो लोग एवरेस्ट पर्वत पर या अन्य पर्वतों पर चढ़ते हैं. They first of all set up base camps and by that then they went up and up up like that. सबसे पहले वे एक समतलीय कैंप को लगाते हैं और उसके पश्चात वे कदम कदम पर ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं. The last, the highest place where the peak. और उसके पश्चात वे सबसे ऊंचाई पर जिसे चोटी कहा जाता है पहुंचते हैं. सो इन क्रिश्चियन लाइफ यू फाइंड कॉमन फेथ द व्हाट दे कॉल द शेयरिंग ऑफ द बेसिक फेथ. मसीह जीवन में भी एक आम विश्वास कहलाता है जिसमें हम एक शुरुआती विश्वास को पेश करते हैं. एंड सेकंड कम्स द फेथ दैट हैज गॉट पावर. और दूसरा विश्वास दूसरा एक ऐसा विश्वास आता है जिसमें सामर्थ्य मिला होता है. थर्ड कम्स फेथ दैट इज कॉल्ड विद अ गिफ्ट. ओनली सर्टेन पीपल कैन यूज दैट गिफ्ट. और तीसरा एक ऐसा विश्वास है जिसमें वरदान मिले होते हैं कुछ खास लोग ही वरदानों का इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड फोर्थ कम द स्पिरिट ऑफ फेथ व्हिच इज एक्सक्लूसिवली फॉर द लीडर्स टू एक्सरसाइज इट. और विश्वास का चौथा पहलू आता है अगुवाई जो कि केवल कलीसिया के अगुवे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड हायर यू गो यू फाइंड फेथ ऑफ द इलेक्ट पीपल. जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते जाएंगे आप विश्वास के श्रेष्ठ पहलुओं को देख सकेंगे. एंड कम टू द प्रेशियस फेथ. और आप उस बहुमूल्य विश्वास में आ सकेंगे. एंड लास्टली द टू स्टेजेस वन इज द मोस्ट होली फेथ एंड द फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड. अंत में विश्वास के जो सबसे श्रेष्ठ दो पहलू हैं वे हैं अति पवित्र विश्वास और परमेश्वर के पुत्र का विश्वास. सो हियर नाउ पॉल वांट्स टू शेयर हिज कॉमन फेथ. यहां पर प्रेरित पौलुस एक आम विश्वास को पेश करना चाह रहे हैं. टुडे वी कैन नॉट मेडिटेट ऑन ऑल द अदर पॉइंट्स. हम लोग विश्वास के सभी पहलुओं पर ध्यान नहीं कर सकेंगे. बट वी विल मेडिटेट ऑन फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉमन फेथ. What is the common faith that we all believe? आज हम विश्वास के पहले पहलू पर ध्यान करेंगे वह है आम विश्वास जिस पर हम सभी लोग विश्वास किया करते हैं. In Romans 10 chapter 17th verse. रोमियों की पत्री 10वां अध्याय. Romans 1 chapter 17th verse. माफ कीजिए रोमियों की पत्री पहला अध्याय 17वां वचन.
Romans 1:17. रोमियो पहला अध्याय 17वां वचन. क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. There is a legend, there is a story. एक कहानी है. Martin Luther was climbing up the steps in the Vatican City. Martin Luther वेटिकन शहर के उस सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे. Every step he knelt down and prayed, and the next step he knelt down and prayed like that. हर एक सीढ़ी पर चढ़ने के पहले वो पहले सीढ़ी पर घुटने टेक कर प्रार्थना करके ही दूसरी सीढ़ी पर अपना कदम रखते थे. He heard a voice. उन्होंने एक आवाज सुना. The just shall live by faith. धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा. I am working, but now the word, the voice says, the just shall live by faith. उन्होंने सोचा मैं तो चल रहा हूँ और मैं काम कर रहा हूँ, पर ये आवाज क्या जो कह रहा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा. He knew it was written in the epistle to Romans. वह जानते थे कि ये रोमियों की पत्री में लिखा गया है. That changed his life. उसने उनके जीवन को तब्दील किया. That's why Protestant religion or group came out. और वहीं से Protestant जो भाग है उसकी शुरुआत हुई. Why? क्यों? Man always wants to do something to obtain the favor from God. क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की दया को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है. Good works, अच्छे काम, alms and help to the poor people. वह लोगों को दान देना चाहते हैं या गरीबों की मदद करना चाहते हैं. Going to pilgrimages, तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं. Studying the scriptures, वेदों को पढ़ते हैं. And following the strict code of their own religion. अपने निजी धर्मों के जो सख्त कानून होते हैं उनका पालन करते हैं. So now here you need not do all the things. The just shall live by faith. यहाँ पर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वचन कहता है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा. It's not by your effort. ये आपके परिश्रम से नहीं. It's not by your merit. ये आपके कोई चतुराई से नहीं. It's simply by faith. ये केवल विश्वास से है. It's something which we others cannot understand. ये एक ऐसी बात है जिसे साधारण लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं. An old lady was having a bath in the Ganges river. एक बुजुर्ग स्त्री गंगा नदी में स्नान ले रही थी. And she slipped and fell into the water. वे लोग फिसल कर पानी में गिर गईं. A prince was riding on a horse. एक राजकुमार घोड़े पर सवार होकर यात्रा कर रहा था. He jumped into the water and saved that old woman. वह राजकुमार भी पानी में छलांग मारकर उस बुजुर्ग स्त्री को बचा कर लाया. She was so filled with gratefulness. वह शुक्रगुजारी से इतना भर गई थी. She took a bronze chambu at that pot. उसने तांबे का जो बर्तन है उठाया. She put some coins in it and gave to the prince. उसने उसमें कुछ सिक्के डालकर राजकुमार के हाथ में थाम दिया. And the prince said, "No, madam, I never saved you for this sake of bronze coins." राजकुमार ने कहा कि बुजुर्ग माताजी, मैंने इस चांदी के बर्तन और सिक्कों के लिए आपकी जान नहीं बचाई है. I saved you out of love, out of mercy. That's मैंने केवल प्रेम और दया के खातिर आपको बचाया है. So he took some gold and coins and put in her pot and said, "Go and be happy." इस राजकुमार ने अपने जेब में से कुछ सोने के सिक्के लेकर उस माता के बर्तन में डाल दिया और खुशी से चला गया. So in our day-to-day life, we are all the time trying to put some bronze coins and say, "Lord, this is what I am doing. Bless me. Lord, this is what I am doing. I am blessed me." हमारे दैनिक जीवन में भी हम कुछ धार्मिक काम रूपी उन पीतल के या चांदी के सिक्कों को डालकर परमेश्वर को प्रसन्न करना चाह रहे हैं. God wants to bless you not out of your merit or what good works. He wants to bless you out of His own love. पर परमेश्वर आपको आपकी भलाई या आपकी योग्यताओं के आधार पर नहीं आशीष देना चाहता है. This faith stands on one important aspect. यह विश्वास एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू या आधार पर खड़ा हुआ है. First Timothy 3:9. तिमोथियुस की पहली पत्री 3:9. के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें. Holding the mystery of the faith in a pure conscience. This faith you can never exercise until and unless you have the pure conscience. जब तक आपके पास एक शुद्ध विवेक ना हो तब तक आप इस विश्वास को अभ्यास में नहीं ला सकते हैं. That is why first to exercise this faith you need to have a pure conscience. इसलिए अपने व्यक्तिगत जीवन में विश्वास का अभ्यास करने के लिए आपके पास शुद्ध विवेक जरूरी है. Second, this faith comes only by hearing the word of God. और दूसरा, यह विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा आता है. Romans 10:17. रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 17वां वचन. सो विश्वास सुनने से
और सुनना मसीह के वचन से होता है. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Now we are here, we are talking to you, not our own thing, the word of God. हम अपनी व्यक्तिगत सिद्धांतों को आपके सामने नहीं रख रहे हैं, वरन परमेश्वर के वचन को पेश कर रहे हैं. So the word of God creates faith in your life. क्योंकि परमेश्वर का वचन आप में विश्वास उत्पन्न करता है. Now the question is the word of God is a sure word or someone wrote of his own imagination? अभी प्रश्न ये उठता है कि क्या परमेश्वर के वचन स्थिर वचन है या ये किसी ने प्रेरित होकर लिखे हैं? No, God's word is something which is inspired word of God. हाँ, परमेश्वर के वचन आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर लिखे गए हैं. In 2 Peter 1st chapter, पत्रस की दूसरी पत्री दूसरा अध्याय, verses 20 and 21, Peter says, 21वें और 22वें वचनों में प्रेरित पत्रस कह रहे हैं, the holy prophets of God, परमेश्वर के पवित्र प्रेरितों ने, they were moved by the Holy Spirit, वे लोग पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे गए, and they spoke as the Lord made them to utter the word. और जिस प्रकार परमेश्वर ने चाहा उसी प्रकार उन्होंने वचनों को पेश किया. So every word that is written in this Bible, इसलिए हर एक वचन जो इस पवित्र शास्त्र में लिखे गए हैं, it's inspired of God. ये परमेश्वर के द्वारा उभार कर लिखे गए हैं. How can we say? हम इसे कैसे साबित कर सकेंगे? There are certain proofs, only little one or two points I will place before you tonight. कई सबूत है पर आपके सामने केवल एक या दो मुद्दे में रखने जा रहा हूँ. In 2 Peter 3 chapter, पत्रस की दूसरी पत्री तीसरा अध्याय, verses 7 to 10 we read what will happen to the world at the last days. सातवें वचन से लेकर दसवें वचनों में हम देख सकते हैं कि संसार में किस प्रकार होंगे और वचन में किस प्रकार दर्शाए गए हैं. According to the Bible, the world will be disintegrated and melted with fire. परमेश्वर के वचन के मुताबिक ये सारा संसार आग के द्वारा पिघलाया जाएगा. Scientists could not agree with that. पर वैज्ञानिक लोग इस बात से सहमत नहीं हो पाए. Why? क्यों? According to their earlier theory, matter was eternal and it can never be destroyed. क्योंकि उनके पूर्व सिद्धांतों के मुताबिक धातु जो है वह अविनाशी होता है, वह कभी पिघलाया नहीं जाता है. So they say, how can the whole world be burnt with fire? यदि ऐसा हो तो उनका सवाल ये था कि सारा संसार कैसे आग से पिघलाया जाएगा. But in the year 1945, पर सन 1945 में, when the Hiroshima Nagasaki were bombed by atomic bombs, जब हिरोशिमा नागासाकी अणुबम के द्वारा जलाया नाश किया गया, they realized, yes, matter could be disintegrated or can be burnt with fire. उन्हें यह बात का एहसास हो गया कि हाँ, धातु जो है या संसार जो है वह आग के द्वारा जलाया या पिघलाया जा सकता है. For years, people believed the earth was at a surface level. कई वर्षों से लोग ये विश्वास करते थे कि पृथ्वी जो है वह एक समतली या चपटी होती है. It was Galileo who told, no, earth was not surface, like a globe. पर गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी चपटी नहीं पर वह गोल होती है. But during that time, the Roman Catholic Church, पर उन दिनों में रोमन कैथोलिक विभाग ने, it condemned him because he was giving a wrong teaching. उन्होंने उस पर आरोप लगाया या उसकी आलोचना की, कहते हुए कि इसने गलत उपदेश दिया है. But later they realized it was a fact. पर बाद में उन्हें ये एहसास हुआ कि वह सच्चाई थी. But if you go to the Bible, यदि आप पवित्र शास्त्र में जाएंगे, in the book of Job 26 chapter verse 7, अय्यूब की पुस्तक 26वें अध्याय के 27वें वचन में, we find the Lord hangeth earth on empty space. वचन कहता है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को अधर में लटकाया है. Job is one of the oldest book in the Bible. पवित्र शास्त्र में अय्यूब की पुस्तक बहुत ही पुरानी पुस्तक है. So there it was written, the earth was hanging on the empty space. वहाँ पर लिखा गया है कि पृथ्वी अधर में लटकी हुई है. Science discovered it very late, but before that, Bible told like that. विज्ञान ने इस बात की खोज काफी समय के पश्चात की, पर पवित्र शास्त्र से पहले से जाहिर किया है. In Romans 1 chapter 20 and 21, रोमियो की पत्री पहले अध्याय की 21वें और 22वें वचनों में, the world around you prove that there is a creator behind this world. सारा संसार जो आपके चारों ओर दिखाई दे रहा है वह इस बात को का सबूत है कि परमेश्वर है जो एक सृजनहार है. Look at the mountains. आप पर्वत की ओर देखिए. Look at the deep seas. आप लोग गहरे समुद्र को देखिए. Look at the jungles. आप जंगल को देखिए. The animals. जानवरों को देखिए. And different type of thing. There must be a great what you call mind behind it. वे लोग ऐसी महान बातें जिसे हम अपने मन से ग्रहण नहीं कर पाते हैं.
they say you go to the seashore. कहा करते कि आप समुद्र के किनारे पर जाइए. And you watch how the waves are hitting at the shore. देखिए कि किस प्रकार समुद्र की लहरें किनारे पर टकराकर वापस जाती हैं. Every minute 26 times they hit hits the shore. हर एक मिनट में लहरें 26 बार किनारे पर टकराती हैं. Say how it can be? And there must be some order behind it. Then only it can happen like that. ये कैसे संभव हो सकता है? इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई क्रम है और क्रम देने वाला कोई स्रोत है. Now regarding what you call butterfly, तितली के विषय में. Now butterfly first it becomes a cocoon. तितली जो है सबसे पहले कोशे में एक छोटी इल्ली के रूप में पैदा होती है. It has got a crawling instinct. First of all it crawls on the earth. वह रेंगने वाले एक इल्ली की मानिंद पैदा होती है. But when it comes on like a butterfly. पर जब एक तितली की मानिंद बदल जाती है. The whole instinct change. It becomes a flying instinct. पूरा रूप बदल जाता है और वह एक उड़ने वाले जंतु में बदल जाता है. How it can come? ये कैसे हो जाता है? One is a crawling instinct. एक जो है वह रेंगने वाला है. The other is a flying instinct. दूसरा जो है वह उड़ने वाला जीव है. Second, they say cocoon has got so many legs. कहते हैं कि ये जो कोशा होता है उसके कई पैर होते हैं. But when it becomes a butterfly, पर जब ये तितली में बदल जाता है. Only 6 legs. केवल 6 पैर होते हैं. So these another thing confirm that there is a great mind behind this creation. ये सभी बातें इस बात का सबूत देती है कि इन सभी सृष्टियों के पीछे एक बहुत ही बड़ी बुद्धि है. And now read Psalms 139 verse 14. भजन संहिता 139 के 14वें वचन को पढ़िए. भजन संहिता 139 14वां वचन. मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं. I will praise thee for I am fearfully and wonderfully made. See, I am fearfully, wonderfully made. मैं अद्भुत रीति से और भाई के द्वारा साथ बनाया गया हूँ. I talked about the mountains and deep seas and the locusts and the waves. मैंने पर्वत के विषय में, गहरे समुद्र के विषय में, टिड्डियों के विषय में आपके सामने रखा. But look at your own body. पर आपके निजी शरीर को आप देखिए. They say about 90,000 kilometers of blood vessels are running your own body. कहा जाता है कि आपके निजी शरीर में कम से कम 90,000 किलोमीटर की दूरी तक रक्त कोशिकाएं बहती रहती हैं. Can you imagine it? क्या आप इसे सोच सकते हैं? Look at your stomach. आप अपने पेट को देखिए. There is a particular acid that can burn any skin. आपके पेट में एक ऐसा अम्ल होता है जो कि आपके पेट को भी जला सकता है. But your skin is not burnt. पर आपका जो आपकी जो चमड़ी है वो जल नहीं रही है. Look at your hand. आपके हाथों को देखिए. You can do like that. आप इसे आसानी से घुमा सकते हैं. They made a robot. और उन्होंने रोबोट बनाया. But they could not make the robot's hand move like that. पर रोबोट आसानी से अपने अवयवों को घुमा नहीं सकता है. It can only go like that. वह केवल आगे पीछे जा सकता है. They say 70 cells are there in that. That is why your hand moves like that. कहा जाता है कि 70 कोशिकाएं होती हैं जो कि हमारे हाथों को आसानी से घुमाने के लिए मददगार होते हैं. So do not doubt the creation of God. इसलिए आप परमेश्वर की सृष्टि पर कदापि शक न कीजिए. Do not doubt the word of God. आप परमेश्वर के वचन पर शक न कीजिए. If there is a little doubt in the word of God, whatever we are going to say will never be a blessing to you. यदि आपके जीवन में परमेश्वर के वचन के प्रति थोड़ा भी शक होगा तो जो आप आज पेश करने जा रहे हैं वह आपके लिए आशीष का कारण नहीं होगा. So the faith stands purely on the word of God. क्योंकि विश्वास परमेश्वर के वचन के आधार पर होता है. In Christian life there are three agents or the three ways are there like मसीह that. जीवन में तीन मुख्य मार्ग होते हैं. One is conscience. एक जो है विवेक. Second is the law. दूसरा है व्यवस्था. Third is the spirit. और तीसरा है आत्मा. Now every man has got a conscience. हर एक मनुष्य के पास एक विवेक है. We saw in 1 Timothy 3rd chapter 9th verse. तिमोथी उसकी पहली पत्री तीसरे अध्याय के 9वें वचन में हमने पढ़ा. Pure conscience. शुद्ध विवेक. Now how to have the pure conscience? इस शुद्ध विवेक को हम कैसे बना सकते हैं? Conscience is good. विवेक अच्छा होता है. It's like in a steam ship. ये एक भाप के इंजन के मानिंद होता है. You will find the steam moves the ship. जिस प्रकार भाप उस जहाज को आगे धकेलता है. But at the same time there must be a compass. Without the compass, the ship will go and what you call run ashore. पर साथ ही साथ एक कंपास होता है जो कि दिशा को बताता है. यदि वो कंपास ना हो तो ये जहाज सही किनारे पर पहुंच नहीं सकता है. Conscience is good. विवेक अच्छी बात है. You need something else to guide. पर उस विवेक को चलाने के लिए कुछ होना जरूरी है. You ask an Eskimo.
ठंडे प्रदेशों में यू आस्क एन एस्किमो, आप एस्किमो में पूछिए, इज इट अ सिन टू किल एन एनिमल, क्या ये किसी जीव को मारना पाप होता है? नो नो, इट्स नॉट अ सिन, नहीं नहीं ये पाप नहीं होता है। आई हैव टू किल एन एनिमल एंड लिव ओनली, क्योंकि मुझे जानवरों को मारकर ही जिंदा रहना होता है। यू आस्क अबाउट अ बुद्धिस्ट ब्रदर और जैन ब्रदर, आप बुद्ध भाइयों या जैन धर्म से संबंधित भाइयों से पूछिए, इट्स अ सिन टू किल इवन अ फ्लाई, वे कहते कि यहां तक एक मक्खी को मारना भी गुनाह होता है। So, I mean, one man's conscience says it is not a sin. एक व्यक्ति का विवेक कहता है ये पाप नहीं है। The other man's conscience says it is a sin. दूसरे व्यक्ति का विवेक कहता है ये पाप है। When they were having a court martial of the Nazi officers. जब उन्हें नाजी अफसर का एक आदेश मिला, some of them were Lutheran members. कुछ लूथरन कलीसिया के सदस्यों ने, they say Nazi party members did that atrocities. उन्होंने कहा कि नाजी पार्टी के सदस्यों ने ये अत्याचार किया है। But you were all Lutherans. पर आप सभी लोग लूथरन लोग हैं। How you can do this much of what they call atrocities upon these innocent people? आप ऐसे निर्दोष लोगों के ऊपर इस प्रकार का क्रूर अत्याचार कैसे कर सकते हैं? They say our conscience does not bother us. उन्होंने कहा कि हमारा विवेक इसमें में दोषी नहीं ठहराता है। Whatever the order came, we just obeyed. हमें जो भी आदेश मिला, हमने उसका पालन किया। So conscience is not a real thing that can build up your life. विवेक वह हकीकत नहीं है जो कि आपके जीवन को बना सकता है। In the Bible, we read about a king Abimelech. पवित्र शास्त्र में हम अबीमेलेख राजा के विषय में पढ़ते हैं। Abraham told that his wife Sarah was his own sister. इब्राहिम ने कहा कि उसकी पत्नी सारा उसकी बहन है। So he took सारा to make her as his wife. इसलिए अबीमेलेक राजा ने इब्राहिम की पत्नी सारा को अपनी पत्नी बनाने के लिए ले लिया। God appeared to say you have done a wrong thing. पर परमेश्वर ने अबीमेलेक को प्रकट होकर कहा कि तूने गलत काम किया है। Lord, in what way I have done a wrong thing? उसने पूछा कि परमेश्वर मैंने किस रीति से गलती की है। I asked that man. मैंने उस मनुष्य से पूछा। He told this woman was his own sister. उसने कहा कि स्त्री उसकी बहन है। And I asked this woman. मैंने स्त्री से भी पूछा। She told that man was his own, was her own brother. उसने कहा कि वह पुरुष मेरा भाई है। My conscience is clear. मेरा विवेक साफ है। How can you say that I have done a wrong thing? आप कैसे कहोगे कि मैंने गलत काम किया है? God told yes, you have done it correctly. परमेश्वर ने कहा कि बेशक तूने सही तो किया है। But yet it's against me. पर इसके बावजूद भी वह मेरे विरुद्ध में है। So the first thing called conscience is good, but it needs some guidance. विवेक अच्छा तो है, पर इसके लिए कुछ अगुवाई होना जरूरी है। So what is the second thing? दूसरी बात क्या है? Law. व्यवस्था। That's why God brought 10 commandments. यही कारण है कि परमेश्वर 10 व्यवस्थाओं को लेकर आया। Thou shall not commit murder. तू हत्या नहीं करना। Thou shall not steal. तू चोरी नहीं करना। Thou shall not commit adultery. तू व्यभिचार नहीं करना। Thou shall not bear false witness. तू झूठी गवाही ना देना। Thou shall not covet. तू लालच ना करना। So the conscience was buttressed or helped by this law. ये विवेक जो है इन व्यवस्थाओं के द्वारा चलाया जाता है। But even then you couldn't get the correct standard of relationship with your God. पर इसके बावजूद भी इन व्यवस्थाओं के द्वारा आप परमेश्वर के साथ अपने विवेक में एक सही संबंध बना नहीं पाते हैं। Kindly read Matthew's Gospel 5th chapter verse 20. मत्ती की इंजिल 5वां अध्याय उसका 20वां वचन पढ़िए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। For I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. Pharisees and the scribes had a particular standard of righteousness. शास्त्री और फरीसियों के पास एक निश्चित दर्जे का व्यवस्थाएं थे। They never committed murder. उन्होंने कभी हत्या नहीं की है। They never stole. उन्होंने चोरी नहीं की है। They never committed adultery. उन्होंने व्यभिचार नहीं किया है। But Jesus said, "Your righteousness must exceed the righteousness of the Pharisees." पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि आपकी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होना चाहिए। Why? क्यों? They never committed murder. क्योंकि उन्होंने हत्या तो नहीं किया है। But they used to call their brother Raka a fool. पर वे अपने भाइयों को मूर्ख कहकर संबोधित करते थे। They got anger in their heart. उनके हृदय में क्रोध था। But they did not commit murder. पर वे लोग हत्या नहीं करते थे। That when you call a fool according to the original meaning. आप किसी को मूर्ख कहते हैं। That means you are a fellow
मूल भाषा में इसका मतलब है कि आप एक ऐसे मनुष्य हो जिसके सिर में मिट्टी भरी हुई है. That means you are reproachfully telling you are a fool. इसका मतलब है आप बहुत ही निंदित भाषा में कह रहे कि तुम मूर्ख हो. Jesus said, you did not kill that man with a knife. यीशु कह रहा है कि आपको किसी की हत्या छुरी से करने की जरूरत नहीं है. But with the word you are already killed him. पर आप अपने शब्दों से उसकी हत्या कर चुके हैं. So the higher standard of righteousness is. इसलिए श्रेष्ठ दर्जे की धार्मिकता. Conscience. विवेक. Then comes law. उसके पश्चात व्यवस्था. But the spirit, your very spirit must be free from anger. पर उसके पश्चात जो free from lust. आपका आत्मा अभिलाषाओं से मुक्त होना चाहिए. Your spirit must be able to tell the truth. आपका आत्मा सच्चाई कहने के अवस्था में आना चाहिए. So when you analyze and judge your life according to the third standard. जब आप अपने जीवन को उस तीसरे पहलू के द्वारा निरीक्षण करते हैं. How many times we got angry? कितने बार हमने क्रोध किया है. How many times our thoughts were not pure? कितने समय हमारे जो विचार है वो शुद्ध नहीं रहे हैं. How many times we told daily in our life so many lies? कितने बार हमने अपने दैनिक जीवन में झूठ बोला है. How often we did not take vengeance upon our enemy, but how often we could not love our enemy? कितनी दफा हमने अपने शत्रुओं से बदला लेने की लालसा रखी है या अपने शत्रुओं से प्रेम नहीं किया है? For one moment, let us close our eyes. एक क्षण के लिए हम अपनी आंखों को बंद करें. You just take a list of all your spirit, that spirit, not works, your inner spirit. आपके कामों की नहीं पर आपके आंतरिक आत्मा में जो बातें पाई जाती है उसकी सूची आप बनाइए. How many can sincerely say, I have never spoken a lie. आप में से कितने लोग खराई से कह सकेंगे कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला है. I have never got angry. मुझे कभी क्रोध नहीं आया है. My thoughts were always pure. मेरे विचार हमेशा शुद्ध रहे हैं. Just examine. अपने जीवन को परख कर देखिए. When you really examine, you will find in your spirit you are more what you call sinful than in your action. जब आप खराई से अपनी आत्मा का निरीक्षण करेंगे आप देखेंगे कि आपने अपने आत्मा में पाप किया है. आते गे तेरे निकट खुदाया दिखा दे अपना जला जैसे वे हमारे वैसे ही आए कर दे तू हमको निहार जैसे वे हमारे वैसे ही आए कर दे तू हमको निहार आते ने तेरे निकट खुदाया ठिकाने आता चला जैसे आमा वैसे ही आए कर दे तू हमको निहार जैसे आमा वैसे ही आए कर दे तू हमको निहार. How are we going to stand before a holy God? हम कैसे उस पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे? From the age of 12 onwards, 12 साल से ऊपर, your angry words, आपके क्रोधित शब्द, your lies, आपके झूठ, your vengeful spirit, आपकी बदला लेने की भावनाएं, the way that you lived an unholy life, आपके जीवन में जो अपवित्र जीवन बिताया है, how can you stand before a holy God? कैसे आप उस पवित्र परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो पाओगे? Because from year 12 onward there are so many things are getting accumulated. क्योंकि 12 साल की उम्र से आगे आप दिन प्रतिदिन अपने जीवन में कई प्रकार की बुराइयों को जमा करते आए हैं. For example, daily you are taking a loan from a person 100 rupees. उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप किसी मनुष्य से 100 रुपए उधार ले रहे हैं. What will happen on the 30th day? तीसवें दिन क्या होगा? It's only daily 100 rupees. आप रोज केवल 100 रुपए उधार ले रहे हैं. But when you come to the month, how much thousand it comes. पर जब आप उस महीने के अंत में आएंगे तो कितने रुपए आप कर्ज के नीचे हैं? So how can you and I stand before a holy God? यदि ऐसा तो मैं और आप कैसे उस पवित्र परमेश्वर के सम्मुख खड़े होंगे? Who will pay all our debts? कौन हमारे सारे कर्ज चुकाएगा? Here only we share our faith with you. यहाँ पर हम अपना विश्वास आपके सामने बांटते हैं. How we were able to experience our debts are paid. कैसे हमने ये अनुभव किया कि हमारे कर्ज चुका दिए गए हैं?
In the Bible, there is a particular theory. पवित्र शास्त्र में एक खास सिद्धांत है. Romans Exodus 34 verse 20. निर्गमन की पुस्तक 34 verse 20. निर्गमन की पुस्तक 34:20. और गधी के पहलौटे की संति मेमना देकर उसे छुड़ाना, यदि तू उसे छुड़ाना ना चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ देना, परंतु अपने सब पहलौटे बेटों को बदला देकर छुड़ाना, मुझे कोई छूचे हाथ अपना मुंह ना दिखाए. But the firstling of an ass thou shalt redeem with a lamb, and if thou redeem him not, then shalt thou break his neck. All the firstborn of thy sons thou shalt redeem, and none shall appear before me empty. According to the Old Testament, Purani Niyam ke anusar, every firstling of an animal must be offered as an offering to God. Har ek janwar ka pehlota parmeshwar ke liye ek bali ke taur par ada kiya jana chahiye. But the firstling of an ass should never be offered. Par ek gadhe ka pehlota kabhi bhi parmeshwar ke liye pesh nahi hota hai. In the place of an firstling of an ass, a lamb could be offered. Gadhi ke pehlota ki jagah par ek memna diya jana zaruri hai. You and I were like that ass, what they call firstling of an ass. Main aur aap ek samay gadhi ke pehlota की मानिंद थे. We could not go nearer to the holy God. हम लोग उस पवित्र परमेश्वर के सम्मुख जा नहीं पाते थे. We worship, but our hearts were far away from God. हम उपासना तो करते थे पर हमारा हृदय परमेश्वर से दूर था. But a lamb was needed to take our place. पर हमारी जगह लेने के लिए एक मेमना जरूरी था. In John's Gospel, first chapter, verse 29. योहन्ना की इंजील पहला अध्याय 29वें वचन में. When John the Baptist saw Jesus Christ walking on the road. जब योहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह को सड़क पर चलते हुए देखा. Behold the Lamb of God which beareth the sins of the whole world. देखो परमेश्वर का मेमना जो कि सारे जगत के पाप को उठा ले चलता है. In 1 John 4 chapter 10th verse we read. योहन्ना की पहली पत्री चौथे अध्याय के 10वें वचन में हम पढ़ते हैं. He became propitiation, one who stood in between God and you. वह सबसे पहले हमारे लिए एक प्रायश्चित बना जो कि मेरे या हमारे और परमेश्वर के बीच में खड़ा हुआ. And turned the wrath of God from your life. और उसने परमेश्वर के क्रोध को आपके जीवन से हटा दिया. You and I can not by works, by merit can never turn the wrath of God from our lives. मैं या आप कभी भी परमेश्वर के क्रोध को अपने निज काम या अपनी चतुराई और योग्यता से हटा नहीं सकते थे. Jesus came and stood in your place and my place and turned the wrath of God. पर प्रभु यीशु मसीह आया, वह मेरे और आपकी जगह पर खड़ा हुआ और उसने परमेश्वर के क्रोध को हटा दिया. Wherever I go, I tell, repeat this story. जहाँ कहीं मैं जाता हूँ, मैं इस कहानी को दोहराया करता हूँ. A small boy stole the tiffin of a big boy. एक छोटे लड़के ने एक बड़े लड़के के टिफिन बॉक्स की चोरी की. And the master called the small fellow to come to the front. मालिक ने छोटे लड़के को बुलाया कि वह आगे आए. And he told him to remove the shirt. और उस मालिक ने उस लड़के से कहा अपनी शर्ट उतार दे. When he removed the shirt, he had only straw. Yeah, there was no banyan there. जब उसने उस शर्ट को उतारा तो उसका शरीर जो है वह पूरा नंगा था और उसने बनियान नहीं पहनी थी. So the student told master, he's a very poor fellow. That's why he stole the tiffin. Please forgive him. तब उस बड़े लड़के ने कहा कि मालिक इस लड़के ने चोरी इसलिए की है क्योंकि ये गरीब है, इसके पास खाने का डब्बा नहीं था. No, he has done the wrong thing. He must be punished. पर मालिक ने कहा नहीं, इसने गलती की है, इसकी सजा इसे भुगतनी होगी. He was asked to lie flat on the table. वह ओंधा एक टेबल पर लेटने के लिए कहा गया. And the master took the cane. का मालिक ने एक सोटी ली. One, एक, two, दो, three, तीन. By the time the big boy rushed forward. और इस समय के दौरान वह बड़ा लड़का दौड़ कर आया. Master, stop it. मालिक बंद कर दीजिए. I will take the punishment. मैं इसकी सजा अपने ऊपर ले लूंगा. No, he is the fellow, he did it, he must be punished. नहीं, इसने गलती की है, सजा इसे ही भुगतना होगा. Master, if he take the punishment, he will die. मालिक यदि यह सजा भुगतेगा तो ये मर जाएगा. So the big boy laid himself flat on the table. इसलिए बड़ा लड़का छोटे लड़के की जगह पर टेबल पर लेट गया. Four, चार, फाइव, पांच, सिक्स, छह, सेवन, सात, एट, आठ, नाइन, नौ, टेन, दस, इलेवन, ग्यारह, ट्वेल्व, बारह. द होल क्लास स्टूड watched silently. पूरी कक्षा शांति के साथ इसे देख रही थी. The small fellow went and hugged the big boy's neck. इस यह छोटा लड़का दौड़ कर गया और उस बड़े लड़के के गले लगकर रोने लगा. भैया, I will never steal hereafter. भैया, अब से मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा.
I did the wrong thing. मैंने गलती की है. You took the punishment. पर तूने सजा ली है. When you look at the cross of Jesus Christ. जब हम यीशु मसीह के क्रूस की ओर नजर उठाते हैं. The same picture we see. It. हम इसी चित्र को देख सकेंगे. The one who betrayed Jesus Christ. वह जिसने यीशु को पकड़वाया. He definitely Judas Iscariot told, I have betrayed an innocent blood. वह यहूदा कहता है कि मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़वाया है. And Pilate clearly told, I find no fault in him. Pilatus बड़े सफाई से कहता है कि मैंने इसमें कोई दोष नहीं पाया. But see the way they, what they call, tortured Jesus Christ. पर आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने यीशु को सताया. Matthew's Gospel 26 chapter. मत्ती की इंजील 26वां अध्याय. Verses 67. 66वें और 67वें वचनों को पढ़िए. तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे और उन्हें थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कह कि किसने तुझे मारा. Then did they spit in his face. Spit in his face. तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका. And buffeted him. और उसे घूंसे मारे. And others smote him with the palms of their hands. Next, twenty-seventh chapter, 28-31. 27वें अध्याय के 28वें वचन से लेकर 31वें वचनों तक. और उसके कपड़े उतार कर उसे किरमिजी बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि हे यहूदियों के राजा, नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे. और जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो वे बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले. And they stripped him and put on him a scarlet robe. And when they had plaited a crown of thorns, they put it upon his head and a reed in his right hand. And they bowed the knee before him and mocked him, saying, Hail, King of the Jews! And they spit upon him and took the reed and smote him on the head. And after that they had mocked him, they took the robe off from him and put his own raiment on him and led him away to crucify him. And John's Gospel 19 chapter verse 1. Yohanna ke Injil 19वां अध्याय पहला वचन. इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए. Then Pilate therefore took Jesus and scourged him. We are so much taken up by the future rewards. वह जो है भविष्य के उस मीराज से इतना ज्यादा प्रेरित हो गया. We have never taken time to survey the sufferings of Jesus Christ. हमने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के कष्टों पर ध्यान करने के लिए समय नहीं लिया. In the early days when I went to Kerala to preach. पूरे दिनों में केरल में जब मैं प्रचार करने गया था. I always speak on the first day on Calvary. पहले दिन मैं हमेशा कलवरी पर प्रचार किया करता हूँ. They told pastor, this is kindergarten lesson. उन्होंने कहा कि पास्टर, ये तो जो किंडरगार्टन के शिक्षाएं वही हैं. They want to hear about Zion. हम लोग सियोन के बारे में सुनना चाहते हैं. I told no. First message is purely on cross. मैंने कहा कि पहला संदेश हमेशा कलवरी के या क्रूस के विषय में होता है. Why? क्यों? In Hebrews 10 chapter 19 and 20. क्योंकि इब्रानियों की पत्री 10वें अध्याय के 19वें और 20वें वचनों में. To enter in the most holy place. अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए. A way was opened. एक रास्ता तैयार होना जरूरी था. Where? कहां? In the body of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के शरीर में. You are talking about Zion. आप सियोन के विषय में कह रहे हैं. You are talking about New Jerusalem. आप नई यरूशलेम के विषय में कह रहे हैं. But how are you going through it? पर आप उसमें कैसे जा सकेंगे? There is only one way. केवल एक ही मार्ग है. Through the body that was riven in two. प्रभु यीशु मसीह का शरीर जो कि दो भागों में विभाजित हुआ. So now whenever I go, इसलिए जहां भी मैं जाता हूँ, they say, Pastor, we fail to meditate on the cross. वे कहते कि पास्टर जी, इन दिनों में हम कलवरी पर ध्यान करने में असमर्थ हो गए हैं. We sing about Zion. हम सियोन के विषय में गाते हैं. We talk about the towers of Zion. हम सियोन के उन गढ़ों के विषय में कहते हैं. We talk about holiness. हम सियोन पवित्रता के विषय में कहते हैं. But our hearts are never broken. पर हमारा हृदय टूटता नहीं है. We become घमंड. वो घमंड से भरा हुआ है. I am holier than you. मैं तुमसे पवित्र हूँ. I am consecrated.
मैं मख़सूस किया हुआ हूँ. You are not consecrated. तुमने मख़सूस नहीं किया है. No brother, come to the Calvary tonight. प्रिय भाइयों ऐसा नहीं, पर आज रात कलवरी पर आइए. There is only one way. You are can have a good conscience. शुद्ध विवेक को रखने के लिए केवल वही एक मार्ग है. You have to look at the cross tonight. आज रात आपको कलवरी पर देखना होगा. Whoever you may be. आप चाहे कोई भी क्यों ना हो. Wherever you may be. आप कहीं भी क्यों ना हो. Whatever your background may be. आपका जो पिछला जीवन कैसा भी क्यों ना हो. Look at the cross tonight. आज रात आप क्रूस की ओर देखिए. The Lord who was what he calls, who was spat upon, who was knocked down, who was what he called tortured. प्रभु यीशु मसीह जिसके मुंह पर थूके गए, जिसे थप्पड़ मारे गए, जो सताया गया. The purest blood is flowing from Calvary. वह अति पवित्र लहू कलवरी क्रूस से बह रहा है. As you are looking at the cross tonight. आज रात जैसे आप क्रूस को देख रहे हैं. Lord, I need thy precious blood. हे प्रभु आज रात मुझे तेरे बहुमूल्य खून की जरूरत है. I become proud in my life. हे प्रभु मैं अपने जीवन में घमंडी हो गया. I am a Christian. मैं मसीह जरूर हूँ. I am a Pentecostalist. मैं पेंटिकॉस्ट हूँ. I am a servant of God. प्रभु मैं परमेश्वर का सेवक हूँ. But my heart is not broken. पर आज मेरा हृदय पिघल नहीं रहा है. My heart is always lofty or full of pride. मेरा हृदय अभिमान और गर्व से भरा हुआ है. Break me tonight, Lord. आज रात मुझे तोड़ दे. Wash me with thy precious blood. अपने लहू से मुझे धो ले. Make me worthy for thy kingdom, Lord. हे प्रभु मैं मुझे तेरे राज्य के योग्य बना दे. So as you are listening to the word of God. जैसे आप परमेश्वर के संदेश को सुन रहे हैं. Open your heart. अपने दिल को खोलिए. That is how your conscience become a pure conscience. ऐसा करने पर ही आपका विवेक शुद्ध विवेक बनेगा. Without the pure conscience, you can never come closer to the Lord. शुद्ध विवेक के बिना परमेश्वर के समीप नहीं आ सकेंगे. That's why our main thing is on the cross. यही कारण है कि हमारे जीवन का जो मुख्य भाग है वह है कलवरी क्रूस. In Galatians 6 chapter. गलतियों की पत्री छठवां अध्याय. पर ऐसा न हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। But God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me and I unto the world. In 1 Corinthians 2nd chapter 2nd verse Paul says. कोरिन्थियों की पहली पत्री दूसरे अध्याय के दूसरे वचन में पौलुस कह रहे हैं. I was determined. मैंने ये निश्चय कर लिया है. Not to speak to you anything other than the crucified Lord. क्रूस पर चढ़ाए मसीह यीशु के अलावा और किसी बात को ना करने के लिए. I come from Anglican background. मैं एक एंग्लिकन भाग से आया हूँ. According to my church teachings, I was a very good boy. मेरी कलीसिया के सिद्धांत या शिक्षाओं के मुताबिक मैं बहुत ही अच्छा लड़का था. But my life was not according to the true standard. पर मेरा जीवन एक सच्चे दर्जे के आधार पर नहीं था. Then one night, एक रात, I came down and saw the cross. मैंने प्रभु यीशु मसीह के उस कलवरी क्रूस को देखा. That night, उस रात, all the night I knew Christ died for all the sinners. मैं जानता था कि प्रभु यीशु मसीह सारे पापियों के लिए मारा गया है. But that night, पर उस रात, I knew He died for me. मैंने ये जान लिया कि वह मेरे लिए मारा गया है. That broke my heart. उसने मेरे दिल को तोड़ दिया. That day I decided to follow Jesus. उस रात मैंने यीशु के पीछे चलने का फैसला किया. That's why the songwriter says. यही कारण है कि गीत लिखने वाले कह रहे हैं. I will cherish the old rugged cross. मैं उस टूटी या खुरदुरे क्रूस को गले लगाऊंगा. So I'll cherish the old rugged cross. Till my trough is at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love the old cross, where the dearest and best, for the world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trough is at last I lay down. I will cling to the old rugged cross.
ragged cross and exchanged it someday for a cross and exchanged it someday for a cross. Dear brother, प्रिय भाइयों, dear believer brother, प्रिय विश्वासी भाइयों, dear servant of God, प्रिय परमेश्वर के सेवकों, you are waiting for a crown to be, you are waiting to receive a crown. आप लोग एक मुकुट को पाने का इंतजार कर रहे हैं. But Jesus want you to exchange it for that crown. पर यीशु मसीह उस सलीब को, सॉरी उस मुकुट को देने के लिए, he says you are to follow me with the cross. वो कहता है कि सबसे पहले क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो. In the early days, if we want to come out for the ministry, प्रारंभिक दिनों में सेवा में आने के लिए, we will very be afraid to come out for the ministry. हम लोग इस सेवा में आने के लिए डरते थे. If anybody says this ministry is the highest place, the joyous ministry, we will not believe that person. यदि कोई कहते थे कि यह सेवा बहुत ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है, इस सेवा को करने के पश्चात जो जगह मिलेगी वह श्रेष्ठ जगह होगी, हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे. Why? क्यों? At home we had three meals. क्योंकि घर में हमें तीन समय का भोजन मिलता था. And the ministry not even one meal. पर सेवा में हमें एक समय का भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिलता है. At least we can have some change of clothes. And once we come to the ministry, we can't have that change of clothes. घर में रहते समय कम से कम हम अपने कपड़े बदल सकते हैं, सेवा में आने के बाद वो भी नहीं मिलेगा. Here we can at least have a pillow and sleep in your home. घर में कम से कम हम एक सिराना मिलेगा, तकिया मिलेगा, हम आसानी से सो सकेंगे. When we come for the convention, they gave a newspaper to carry. पर जब हम कन्वेंशन में आते थे तो हमें ले जाने के लिए अखबार दिया करते थे. No mats, only the newspaper. कोई चटा नहीं, केवल अखबार दिया करते थे. We can't even keep any pillow. यहाँ तक कि कोई सिराना या तकिया हम रख नहीं सकते थे. Sometimes under a tree we have to sleep. कभी कभी हमें पेड़ के नीचे सोना पड़ता था. Sometimes the hot sand you have to sleep. कभी कभी हमें गरम रेत पर सोना पड़ता था. Where can you say that you are going to serve the Lord with a joyous spirit? ऐसे समय में हम कैसे कह सकते थे कि एक आनंद से भरी हुई आत्मा में हम परमेश्वर की सेवा करने जा रहे हैं. But we stepped out. पर हम इस सेवा के लिए आए. Why? क्यों? To suffer for the Lord. परमेश्वर के लिए दुख उठाने के लिए. That was our joy. वही हमारे जीवन का आनंद था. Today suppose you were thrown into the Patmos island like that. आज यदि आप पहले की मानिन पद्मस द्वीप में फेंके जाएं. Where hardly any one member to have a church. वहां पर उस कलीसिया में यदि एक भी व्यक्ति ना हो. In the 1965 I came to Lucknow. सन 1965 में मैं लखनऊ में आया. Only one mother was there. केवल एक बुजुर्ग माता यहाँ थी. Was our believer. वह हमारी विश्वासी थी. For her, we used to give conduct a meeting and give her the Lord's table and go back. उनके लिए हम इबादत चलाया करते थे, प्रभु भोज की सेवा को रखने के बाद हम वापस जाते थे. All the way from Kanpur. कानपुर से यहाँ तक आया करते थे. That was how this work started. और इसी प्रकार हमने अपनी सेवा शुरू की है. Today our work people are wanting a ready-made churches. पर इन दिनों में हम लोग एक बने बनाई इमारत को चाहते हैं. How many members are there? उस कलीसिया में कितने सदस्य हैं? स्कूटर, क्या वहाँ पर एक स्कूटर है? कार इज देयर, क्या वहाँ पर कार है? टेलीफोन इज देयर, क्या वहाँ पर टेलीफोन है? यू गॉट एवरीथिंग, सब कुछ है. डेफिनेटली यू कैन से मिनिस्ट्री इज अ जॉयफुल मिनिस्ट्री, सब कुछ है. इसलिए आप कह सकते हैं कि हाँ, सेवा बहुत ही आनंदमय सेवा है. टेक यू एंड थ्रो इट इन द डीप जंगल, यदि आपको घने जंगल में उठाकर फेंक दिया जाए. देयर इज अ ग्रुप कॉल्ड विटक्लिफ ट्रांसलेटर्स. विटक्लिफ ट्रांसलेटर करके एक समूह है. टू सिस्टर्स, दो बहने हैं. दे विल टेक देम टू अमेज़न जंगल. वे लोग उन्हें एक जंगल में ले जाया करते हैं. एंड दे विल ड्रॉप देम द अमेज़न जंगल, और उन्हें उस घने जंगल या सुनसान जंगल में छोड़ दिया जाता है. 6 months, 6 महीने. नो कॉन्टेक्ट विद एनी आउटसाइड वर्ल्ड, किसी बाहरी संसार से कोई ताल्लुकात नहीं होता है. They will live among the aborigines and the tribals. वे लोग उन कबीलों के बीच में रहा करते हैं. They will learn their language. वे उनकी भाषा सीखते हैं. They will record their language. वे उनकी भाषा को रिकॉर्ड करते हैं. They only contact is the radio contact. उनका संबंध केवल रेडियो के साथ होता है. No home, कोई घर नहीं. They have to sleep in the hammock. उन्हें एक चबूतरे पर सोना होता है. No bed. कोई बिस्तर नहीं होता है. You know what the tribals were dressed. उन्हें मालूम है, आपको मालूम है कि कबीले कैसे वस्त्र पहना करते हैं. They stood there. वे लोग वहां पर मजबूती खड़े that रहे. That is ministry. वही सेवा होती है. Ministry you mean to die for the Lord. सेवा का मतलब है परमेश्वर के लिए मरना.
So whenever anybody say I want to come out to serve the Lord, इसलिए जब भी कोई कहता है कि हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, brother, are you willing to die? भाई क्या परमेश्वर के लिए मरने के लिए तैयार हैं? When we stepped out, no farewell meeting, no prayer meeting, no dinner, nothing at all. जब हम सेवा में आए थे तो हमें कोई विदाई की मीटिंग नहीं रखी गई, ना ही हमारे लिए कोई farewell पार्टी रखी गई थी. But today it's a grand function. They send the servants of God. पर इन दिनों में परमेश्वर के सेवक को भेजने के लिए विदाई समारोह रखे जाते हैं. What happened? These servants of God, when they come into the ministry, और जब ये सेवक लोग जब सेवा में आते हैं, they think why this suffering came. वे लोग सोचते ये सताव क्यों आ रहे हैं? Why I am sent to this land? क्यों मैं ऐसी जगह पर भेजा गया हूँ? I was serving the Lord 13 years in Ceylon. मैं 13 साल तक श्रीलंका में सेवा करता रहा. In 1964, they transferred me to Delhi. सन 1964 में उन्होंने मेरा तबादला दिल्ली में किया. I do not know ABCD of Hindi. मुझे हिंदी की ABCD नहीं मालूम थी. One workers meeting. एक सेवादारों की सभा में Pastor Sam Paul told Manoharan pray in Hindi. Sam Paul ने कहा मनोहरन हिंदी में प्रार्थना करो. I do not know Hindi. मुझे हिंदी नहीं मालूम है. Anyhow, I started in Hindi. कैसे भी मैंने हिंदी में शुरू कर दिया. I ended up in English and Malayalam. मैंने उस प्रार्थना का अंत मलयालम और अंग्रेजी में किया. That was how we started this ministry. इसी प्रकार हमें अपनी सेवा को शुरू किया है. So brother, sister, unless and until you bear the cross, you can never receive a crown. इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, जब तक आप क्रूस को नहीं उठाएंगे, आप मुकुट को पाने के काबिल नहीं बनेंगे. Wherever you go, आप कहीं भी क्यों ना जाएं, carry the cross. एक सलीब है. साधु सुंदर सिंह was in a deep well. साधु सुंदर सिंह एक गहरे कुएं में थे. Satan came, what man, you are a foolish man. शैतान ने आकर कहा कि हे इंसान तू मूर्ख है. You followed Jesus Christ. तू यीशु के पीछे चलने लगा. See, he has left you in the deep well. देख उसने तुझे इस गहरे कुएं में छोड़ दिया है. You know what did सुंदर सिंह told? आपको मालूम है सुंदर सिंह ने क्या कहा? Jesus gave me the cross. यीशु मसीह ने मुझे सलीब दिया है. He will give me the needed grace to bear it up. और वह मुझे सलीब को उठाने के लिए आवश्यकता अनुसार फसल देगा. You get away from there. यहां से चले जाओ. That is all you must tell it. आपको भी यही कहना जरूरी है. Wherever you are going, आप जहां भी जा रहे हैं, carry the cross. आप सलीब को उठाइए. There the faith begins to work. और वहीं पर विश्वास काम करना शुरू करता है. Now the faith has to build up. यह विश्वास बनाया जाना चाहिए. Doctrinally you have to obey the water baptism. आपको तालीम के मुताबिक बपतिस्मा लेना जरूरी है. Obedience brings you to the real righteousness of God. क्योंकि आज्ञाकारिता आपको परमेश्वर की सही धार्मिकता में पहुंचाए. In baptism, first of all, it must be a believer's baptism. सबसे पहले आप बपतिस्मा एक विश्वासी का बपतिस्मा होना चाहिए. Second, it must be by immersion. दूसरा ये डूब का बपतिस्मा होना चाहिए. Third, it must be in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. और तीसरा ये पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होना चाहिए. Fourth, this baptism must be administered by a servant of God who has been anointed with the Holy Spirit. और चौथा ये बपतिस्मा उसी सेवक के द्वारा दिया जाना चाहिए जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ. So after your sins are washed by the blood of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके पाप माफ किए जाने के बाद, you have to obey in the true waters of baptism. आपको सही पानी के बपतिस्मा का पालन करना चाहिए. After you obey in the waters of baptism, सही बपतिस्मा लेने के पश्चात, God will baptize you with the Holy Spirit. परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का दान देगा. With the Holy Spirit, उस पवित्र आत्मा के द्वारा. Read 1 Corinthians 12 chapter 13th verse. कुरिन्थियों की पहली पत्री 12वां अध्याय 13वां वचन पढ़िए. क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया. For by one spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one spirit. Step by step, the Lord brings you closer to Himself. कदम कदम परमेश्वर आपको उसके नजदीक लेकर आता है. Religion is not a far away; it is a one thing you are able to experience in your day-to-day life. धर्म ऐसी बात नहीं है जो कि आपसे काफी दूर है, पर वे एक ऐसी बात है जो कि आप अपने दैनिक जीवन में अपने नजदीक अनुभव कर सकते हैं. You are in the body of Jesus Christ. आप लोग प्रभु यीशु मसीह के शरीर में हैं. You feel the closeness with the Lord. आप प्रभु के साथ एक नजदीकी संबंध को महसूस करते हैं.
Then comes the doctrine of separation. इसके पश्चात अलगाव की तालीम आती है. We will be meditating, God willing, in the coming day. परमेश्वर की मर्जी हुई तो आने वाले दिनों में हम इस पर ध्यान करेंगे. Now this faith, यह विश्वास, has got one aspect. इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है. Read 1 Corinthians 4 chapter verse 20. कुरिन्थियों की पहली पत्री चौथा अध्याय 20वां वचन पढ़िए. बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है. For the kingdom of God is not in word but in power. If I only share this faith and in the faith cannot help you in your day-to-day life. यदि मैं इस विश्वास को आपके सामने पेश करूं पर यह विश्वास आपके दैनिक जीवन में आपकी मदद ना करे. It comes only in the word, only a talk. ये केवल एक शब्द या केवल वार्तालाप ही हो जाता है. I can beautifully picture about the faith sermon. मैं पत्रस के उस विश्वास के प्रचार को देखिए. I can talk about how to live by faith. मैं ये कह सकता हूं कि कैसे विश्वास में रहना है. बट टू प्रैक्टिस दैट यू नीड अ पावर. पर आपको उसे अभ्यास में लाने के लिए एक सामर्थ्य जरूरी है. नाउ इन आवर लाइव्स, हमारे जीवन में, फर्स्ट वी वर अंडर द पावर ऑफ सिन. सबसे पहले हम पाप के उस सामर्थ्य के अधीन थे. एज लॉन्ग एज वी वर अंडर द पावर ऑफ सिन, जितना हम पाप के सामर्थ्य के अधीन थे, वी कुड नेवर से आई एम फ्री. हम ये नहीं कह सकते थे कि मैं आजाद हूँ. By the precious blood of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से, we are delivered from the power of sin. हम लोग पाप के उस सामर्थ्य से छुड़ाए गए. But there is another power that controls a man's life. पर एक ऐसा सामर्थ्य जो कि मनुष्य के जीवन पर नियंत्रण रखता है. In Luke's Gospel 13 chapter 16th verse, लुका की इंजील 13वें अध्याय के 16वें वचन में, there was a woman for 18 long years, she was under a power. एक ऐसी स्त्री थी जो कि 18 लंबे साल एक निर्बलता की आत्मा के अधीन थी. And Jesus healed her. यीशु मसीह ने उसे चंगा किया. And the Lord told, 18 long years she was under the captivity of Satan. यीशु मसीह ने कहा कि यह स्त्री 18 लंबे सालों तक शैतान की बंधुआई में थी. In Matthew's Gospel 12th chapter, मत्ती की इंजील 12वें अध्याय में, 28 and 29 Jesus said, 28 और 29 वचनों में यीशु ने कहा, There is a strong man governing your body. एक बलवंत मनुष्य जो कि आपके शरीर पर प्रभुता किए हुए है. And that strong man, until and unless he is defeated, you can never be delivered in your physical life. जब तक वह बलवंत मनुष्य पराजित ना हो जाए तब तक आप अपने शरीर में छुटकारा नहीं पाएंगे. जनरली अकॉर्डिंग टू द बाइबल, आमतौर पर पवित्र शास्त्र के अनुसार, टू थिंग्स वी नोट अबाउट सिकनेस, हम बीमारी के विषय में दो बातों पर गौर करना चाहिए. वन, एक, sin is the root cause of most of the sickness. अधिकांश बीमारियों का जड़ पाप होता है. Now doctors say that is exactly true. Now चिकित्सक लोग कहते, man's body into three regions. उन्होंने मनुष्य के शरीर को तीन विभिन्न भागों में विभाजित किया. One is neck. एक जो है गर्दन. The other is chest. दूसरा है छाती. Third is stomach. और तीसरा है पेट. Neck mean unbending spirit. गर्दन जो है वह ना झुकने वाली आत्मा को बताता है. If you are a man or a woman with unbending spirit, यदि आप एक ऐसे पुरुष या स्त्री हैं जिनके अंदर ना झुकने वाली आत्मा है, all kinds of vertical pains will dominate your body. आपके शरीर में दर्द प्रभुता करने लगेगा. And chest, छाती. If you are driving a car, keeping your foot always on the throttle. यदि आप कार को चलाते समय अपने पैर को हमेशा गति बढ़ाने वाले एक्सेलरेटर पर रखेंगे, all the time you are accelerating and the car is pushing. Like यदि that. आप लगातार अपना पैर उस एक्सेलरेटर पर रखेंगे और पैर से दबाते जाएंगे तो गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी. From morning till night, सुबह से लेकर रात तक, you shout at your wife, you shout at your children. आप अपनी पत्नी पर चिल्लाते हैं, बच्चों पर चिल्लाते हैं. Sometimes you shout at yourself. कई बार आप अपने ऊपर चिल्लाते हैं. With that anger you rush to your office. क्रोध के साथ आप अपने कार्यालय में जाते हैं. Whoever come in contact with you, he gets a scolding. जो भी आपके संपर्क में आते हैं उन्हें आपके झिल्लाट का सामना करना पड़ता है. Your foot is always on the accelerator. आपका पैर हमेशा गति बढ़ाने वाले एक्सेलेटर पर है. There is no rest at all. आपके अंदर विश्राम नहीं है. There was a sister who came and prayed, Pastor, please pray for my chest pain. एक बार एक बहन ने आकर हमसे कहा कि पास्टर मेरे छाती के दर्द के लिए प्रार्थना कीजिए. And I asked, how are you spiritually? मैंने कहा कि आप आत्मिक तौर पर कैसी हैं? Pastor, I fast 4 days in a week. उन्होंने कहा, पास्टर जी मैं हफ्ते में 4 दिन उपवास रखकर प्रार्थना करती हूँ. 4 days in a week? चार दिन हफ्ते में? Yes, Pastor. हाँ जी.
Then her husband came. तब उसके पति आए. Pastor, she pray, fasted for fast 4 days in a week. पासी ये सच है कि हफ्ते में 4 दिन उपवास के प्रार्थना करती है. But the day she fasts, पर जिस दिन वह रोजा रखती है, she get more angry. वह बहुत अधिक क्रोधित हो जाती है. That day she will hit the children worse than other day. और उसी दिन वह अन्य दिनों से बढ़कर अपने बच्चों को मारती है. So what is the use of that fasting? यदि ऐसा है तो आपके रोजे का मतलब क्या है? Your foot is always on the accelerator. आपका पैर हमेशा गतिवर्धक पर रखा गया है. You may say, I don't want to take salt. आप कहते हैं कि मुझे नमक की जरूरत नहीं है. But your spirit is always that. Tension is there. पर आपके आत्मा के अंदर हमेशा वह उत्तेजना है. Third is stomach. तीसरा है आपका पेट. Anxiety. हमेशा उत्तेजना. Worry. हमेशा भय. They say ulcer, diabetics, cancer all starts with the worry, mental worry. कहा जाता है कि पेट की जलन या अन्य सभी बीमारियां जो होती है वह मन के उन जिज्ञासाओं के कारण या मन के परेशानियों के कारण होता है. So sin or the sin, spirit of sin is the root cause of most sickness. इसलिए आपके आत्मा में दिखाई देने वाला पापी या बीमारी आपके शरीर की अधिकांश बीमारियों का जड़ है. Second. दूसरा, behind the sickness there is a power. आपकी बीमारियों के पीछे एक सामर्थ होता है. And that power is due to devil. और वह सामर्थ शैतान के द्वारा आता है. That's why when Peter's mother-in-law was laid with fever. यही कारण है कि जब पतरस की सास बुखार से पीड़ित थी, Jesus stood over and rebuked that fever. यीशु वहाँ पर खड़े होकर उस बुखार या ज्वर को डांट रहा है. Behind that fever he saw a power. उस ज्वर के पीछे यीशु ने एक सामर्थ को देखा. So behind your sickness, आपकी बीमारी के पीछे, I was an asthmatic patient. मैं भी दमे की बीमारी से पीड़ित था. I have looked after asthma patients. मैंने एक माय मिनिस्ट्री वाज मेरी जो सेवा है वह दमे के बीमार लोगों की सेवा करना था. नाइट एंड नाइट आई यूज्ड टू लुक आफ्टर. दिन रात मुझे उनकी सेवा करना पड़ता था. आई नो हाउ दे यूज्ड टू सफर. मुझे मालूम है कि वे कैसे कष्ट उठाते हैं. आई माई सेल्फ सफर. मैं खुद ही दुख उठाया हूँ. पावर. पर उसके पीछे एक सामर्थ है. That power must be rebuked. और वह सामर्थ छिड़का जाना चाहिए. Once the power is rebuked, जब वह सामर्थ छिड़का जाएगा, you are delivered. आप छुटकारा पाएंगे. In Mark's Gospel, second chapter, मरकुस की इंजिल दूसरा अध्याय, third chapter, 15th verse. माफ कीजिए, तीसरा अध्याय 15वां वचन. और दुष्ट आत्माओं के निकालने का अधिकार रखें. And to have power to heal sicknesses and to cast out devils. In English, power. हिंदी में? अंग्रेजी में सामर्थ्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है. अधिकार. 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 There, अधिकार is authority. अधिकार यहाँ पर अधिकार शब्द का इस्तेमाल हुआ. Power. एक अधिकार या सामर्थ्य है. When power is used, the devil will flee away. जब सामर्थ्य का इस्तेमाल होगा तो दुष्ट आत्मा भागेगा. So tonight, आज रात, you are hearing your faith. आप एक विश्वास को सुन रहे हैं. We are going to share the faith with you. आज हम विश्वास आपके साथ बांटने जा रहे हैं. You can go from this place delivered from all kinds of sickness. आप इस जगह से सभी प्रकार की बीमारियों से छुटकारा पाकर वापस जाएंगे. Now only in Hindi read. केवल हिंदी में पढ़िए. Exodus 15 chapter verse 26. निर्गमन की पुस्तक 15वां अध्याय 26वां वचन. कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ. Exodus 23:24-25. निर्गमन की पुस्तक 23वें अध्याय के 24-25वें वचनों में. उनके देवताओं को दंडवत ना करना ना उनकी उपासना करना और ना उनके से काम करना वरन उन मूर्तों को पूरी रीति से सत्यनाश कर डालना और उन लोगों की लाटों को टुकड़े टुकड़े कर देना और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना तब वे तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा. Next verse, I have told you the next. Next, that's important verse. 26वां वचन. तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा. You read the earlier verses, but the important verse that yes, read. तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा. Right. Read Isaiah 58 verse 8. यशायाह की पुस्तक 58वें अध्याय का 8वां वचन. तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा
यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा. एंड 11th वर्स, 11वां वचन, और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता. एंड मलाकी 4th चैप्टर वर्स 2, मलाकी की पुस्तक 4th अध्याय उसका 2रा वचन, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे. मैथ्यूज गॉस्पल 8 चैप्टर 17th वर्स, मत्ती की इंजिल 8वां अध्याय 17वां वचन, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया. एंड 1 पीटर 2 चैप्टर 24, पत्रस की पहली पत्री 2रा अध्याय 24वां वचन, वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए. Now tell me in all these promises, इन सभी वायदों में आप मुझे बताइए, is there anywhere God said you must be sick? क्या ऐसा लिखा गया है कि तुम बीमार होना चाहिए? If you say yes, there is a possibility you must be remain sick. Put up your right hand. यदि आप कहते हैं कि हाँ ऐसा लिखा गया है कि ऐसी संभावना है कि आपको बीमार होना चाहिए तो आप अपना हाथ उठाइए. Now, according to the promises of God, परमेश्वर के वायदों के मुताबिक, you must be free from all sickness. आप सभी बीमारियों से आजाद होना चाहिए. And the Lord healeth your sickness. और परमेश्वर हमारी बीमारियों से शिफा देता है. You will never more be barren. आप कभी भी बांझ नहीं होंगे. No miscarriage. कोई गर्भ नहीं करेगा. Long life. लंबी आयु होगी. You will be like a watered garden. आप लोग एक सिंची हुई बाग की मानिंद होंगे. You will be like calves that go away from the stall. आप लोग उछलते हुए बछड़ों की मानिंद होंगे. Your sickness carried by the Lord. आपकी बीमारियां परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उठा लिए गए हैं. By his stripes you were healed. उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हैं. Do you believe it? क्या आप विश्वास कर रहे हैं? If you believe it, close your eyes and lift up your right hand. यदि आप विश्वास करते हैं तो अपनी आंखों को बंद करके अपने दाहिने हाथ को उठाइए. Hallelujah. Hallelujah. All these blessings for you tonight. आज ये सभी आशीष आपके लिए रखी गई हैं. We'll meditate more on this subject, God willing. इस विषय पर यदि परमेश्वर की मर्जी भी तो हम आगे ध्यान करेंगे. Shall we close our eyes? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें. Shall we kneel down? आइए हम घुटने पर बैठ जाएं. Shall we look at the cross? आइए हम क्रूस की ओर अपनी नजर उठाएं. The first thing, common faith. सबसे पहला है आम विश्वास. You must be delivered from the power of Satan. आपको शैतान के बंधन से छूटना जरूरी है. And you must be delivered and brought under the power of God. और आपको छुटकारा पाकर परमेश्वर के सामर्थ के करीब लाया जाना जरूरी है. Only through the blood of Jesus. और वह केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू कर सकेगा. If anyone who has not experienced forgiveness of sin, यदि किसी ने अपने जीवन में पाप की माफी अनुभव नहीं किया है, surrender your life into the hands of Jesus. अपना जीवन यीशु के हाथों में सौंप दीजिए. And if anyone wants the healing in your body, यदि कोई अपने शरीर में शिफा चाहता है, open your heart. अपने दिलों को खोलिए. Open your mouth. अपने मुंह को खोलिए. Lord, हे प्रभु, thou died not only for my sins. तू केवल मेरे पापों के लिए नहीं मारा गया. Thou died for my sickness. हे प्रभु, तू मेरी बीमारियों के लिए मारा गया. I believe. मैं विश्वास करता हूँ. I believe. मैं विश्वास करती हूँ. Open your mouth. हे प्रभु, say it loudly. इसी समय अपने मुंह को खोल कर कहिए. Lord, I believe. हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ. Lord, I believe. हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ. Lord, I believe. हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ. No sickness can dominate my body. कोई भी बीमारी मेरे शरीर पर प्रभुता नहीं करेगा. That was already destroyed the power of sickness. क्योंकि तूने बीमारी के सामर्थ को नाश किया है. Is it diabetics? ये मधुमेह है. Is it ulcer? ये अल्सर हो सकता है. Is it arthritis? ये कोई जोड़ों का दर्द हो सकता है. Is it chest pain? ये छाती का दर्द होगा. Is it bleeding? क्या ये खून बहने की बीमारी? Any type of sickness. कोई भी बीमारी क्यों ना हो. In the name of Jesus Christ of Nazareth. नासरी यीशु के नाम में. We bind that power. हम उस सामर्थ को बांध रहे हैं. The Lord is touching you tonight. यीशु मसीह आपको छू रहा है. कुछ कठिन नहीं यदि तुम विश्वास करोगे, तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा. ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं, कठिन नहीं यदि तुम विश्वास
जगत में सब कुछ वही करेगा। ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं यदि तुम विश्वास करोगे। तुम्हारे इस जगत में सब कुछ वही करेगा। ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं यदि तुम विश्वास करोगे। तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा। तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा। तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा। तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा।